जब भी डॉली का पति घर में होता था, ओटो कोई भी आवाज नहीं करता था। डॉली के परमिशन के बिना वो घर के बाहर भी नहीं जा सकता। डॉली के पति को घर में किसी और के मौजूद होने का एहसास होता था, पर डॉली कोई ना कोई बहाना देके उसे एटिक में नहीं जाने देती थी। 9 सालों से घर के बाहर ना जाने से ओटो का मानसिक हालत बिगड़ने लगता है, जिसके लिए डॉली उसे एक प्राइवेट बार में लेके जाती है। पर सालों बाद इतने सारे लोगों को इकट्ठे देख ओटो पैनिक करने लगता है। इधर डॉली के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। वो अपने जालिम पति से छुटकारा पाना चाहती थी और उसे अमीरी में जीने की लत लग चुकी थी। इतने सालों में ओटो को भी पता चल चुका था कि डॉली का पति उसे मारता पिटता है। इसी चीज का बहाना बना के डॉली ओटो को एक बंदूक देती है। डॉली को अपने नाम इंश्योरेंस करवानी थी, जिसके लिए पार्टी में वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले आदमी से फ्लर्ट करती है। ये बात उसके पति को मालूम पड़ता है तो डॉली को बहुत मारता है। इससे ओटो भी परेशान होकर डॉली को बचाने के लिए उसके पति को जान से मार देता है।